नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7, एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक एंगल है जो कैलकुलेशन से आता है 37 प्लस 1/2 डिग्री, एंड जब उसको मेजर किया जाता है तो वो आता है 35 डिग्री। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया है इसको, ओरिजिनल एंगल जो कैलकुलेशन से आया है वो अभी किस में है, मिक्स में है, तो मिक्स से इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 75/2 डिग्री। मेजर किया था जब उसको तो वो आया 35 डिग्री, तो यहाँ पे हमें इरर परसेंट फाइंड आउट करना है। तो इरर परसेंट के लिए पहले हम यहाँ पे इरर फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस एंगल में कितने का इरर है। तो ये जो एंगल था ठीक है ना, इसमें से 35 को माइनस कर लेते हैं, तो 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो माइनस कर लेते हैं इसको यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 75 एंड यहाँ पे आ जाएगा 70। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है एरर परसेंट, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरर परसेंट। ठीक है, तो एरर परसेंट कितना आएगा, तो ये आएगा एरर, एरर कितना है, ये है 5/2 का। ठीक है, किससे ये निकालना है, 75/2 से। ये फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, जिससे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 5/2 ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/75 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 3 जा 25 4 जा, तो ये आ जाएगा 20/3%। ठीक है, ये किस में है, इम्प्रॉपर में है, तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 6 18 एंड 2/3, तो 6 प्लस 2/3 का उसमें इरर है।